लोकतंत्र बचाओ यात्रा के जरिए मध्य प्रदेश की 25 विधानसभा क्षेत्र में जनता चौपाल लगाने वाले कंप्यूटर बाबा के संतों का काफिला सोमवार को उपचुनाव के एपिसेंटर सावेर विधानसभा पहुंचा। यहां ग्राम बरौली में एक आयोजन के दौरान कंप्यूटर बाबा न सिर्फ मंत्री तुलसी सिलावट बल्कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर बरसते हुए दिखाई पड़े। जहां एक तरफ विधायक न बनने को लेकर तुलसी सिलावट पर अपने मंत्री पद से इस्तीफे की तलवार लटक रही है, वहीं यहां पर 25 विधायक करोड़ों रुपए में बिके हैं, तुलसी सिलावट उन्हीं में से एक हैं। ये दावा कंप्यूटर बाबा ने बरौली सहित अन्य गांव से आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा। तुलसी सिलावट ने मिलावट कर शिवराज सरकार बना दी, ये वाक्य कंप्यूटर बाबा ने कहे। साथ ही कहा, बेंगलुरु में सौदेबाजी कर सिंधिया और सिलावट ने जनमत को बेचा है। बेंगलुरु में करोड़ों रुपए की डील के साथ ही बिना विधायक बने मंत्री बनाए जाने को लेकर भी कंप्यूटर बाबा ने तंज कसा और कहा, तुलसीराम सिलावट को सावेर की नहीं बल्कि सिंधिया की चिंता है। 25 गद्दारों के कारण आज संत समाज को भजन कीर्तन छोड़कर लोकतंत्र को बचाने के लिए मोर्चा खोलना पड़ा है। अब हम सिलावट नहीं उन्हें मिलावट खोर कहेंगे, क्योंकि इन्होंने करोड़ों रुपए लेकर मिलावट की है। शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कंप्यूटर बाबा ने कहा, उनकी सरकार में 15 साल तक जमकर अवैध उत्खनन हुआ और कमलनाथ सरकार के काल में महज 15 महीने उत्खनन रुका, क्योंकि कमलनाथ जबरदस्त घेराबंदी करते थे। हजारों मशीनें पकड़ी गई, अवैध खनन कमलनाथ ने होने नहीं दिया, जिसके बाद शिवराज तिलमिला गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पूरा परिवार और कई बीजेपी कार्यकर्ता मां नर्मदा का सीना छलनी करने में लगे हैं। इससे संत समाज काफी दुखी है। मां नर्मदा इन्हें समय आने पर उपचुनाव में बताएगी, क्योंकि इन्होंने आशीर्वाद लेने के बजाय मां नर्मदा का सीना छलनी किया, इसलिए शिवराज को आने वाले समय में हार का सामना करना पड़ेगा। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।